नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली की सड़कों पर फराटा भरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक 165 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे की ये दूरी कितने समय में पूरा करना है ये निर्धारित किया गया है। यानी कि कार सवार को 165 किलोमीटर की दूरी 99 मिनट में ही पूरी करनी होगी, लेकिन अगर इससे कम वक्त में अगर कोई इस सफ़र को तय करता है तो इस पर गाड़ी चालक को जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, कार के तरह अन्य वाहनों पर भी 165 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने का भी वक्त तय किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने भारी वाहनों के लिए 124 मिनट का वक्त तय किया है, यानी कि भारी वाहनों को 165 किलोमीटर की ये दूरी 2 घंटे 4 मिनट में पूरी करनी होगी। कुल मिलाकर नए नियम के तहत अगर आप तय से कम समय में यमुना एक्सप्रेसवे पार करते हैं तो आपका चालान कट जाएगा। कैसे रखी जाएगी निगरानी? अब खबरों के मुताबिक यमुना प्राधिकरण अब एक्सप्रेसवे के दोनों ओर ग्रेटर नोएडा और आगरा जीरो पॉइंट पर टाइम बूथ लगाएगा, जिसका काम लगभग शुरू भी हो चुका है। इस टाइम बूथ का काम होगा सभी वाहनों की रफ्तार पर बराबर नजर रखना, यानी कि टाइम बूथ लगने के बाद ये पता चल जाएगा कि भाई कौन सा वाहन कब एक्सप्रेसवे पर चढ़ा और उसने दूसरे छोर पर यात्रा कितने वक्त में पूरी की। अब ऐसे में जो भी वाहन तय समय से कम वक्त लेकर एक्सप्रेसवे पर चलेगा तो टाइम बूथ उसकी रफ्तार को पकड़ लेगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि अभी अधिकतर चालान टोल टैक्स के बीच की गति सीमा के आधार पर ही होते हैं।